1989 में आज ही के दिन बीजिंग के थियानमेन चौक पर चीन ने अपने ही नागरिकों के खिलाफ सेना को उतार दिया था। ये प्रदर्शनकारी चीन में लोकतांत्रिक सुधारों की मांग कर रहे थे। सेना ने इन प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस घटनाक्रम में कम से कम 10,000 लोग मारे गए। हालांकि चीन ने कभी भी मरने वालों की सही संख्या को सार्वजनिक नहीं किया। इस आंदोलन की शुरुआत छात्र आंदोलन के तौर पर हुई थी। दरअसल 80 के दशक में चीन बड़े बड़े बदलावों से गुजर रहा था। चीन के कम्युनिस्ट नेता डेंग शियाओपिंग ने अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, जिसकी बदौलत देश में विदेशी निवेश का बढ़ा और प्राइवेट कंपनियां आने लगी। नतीजा ये हुआ कि चीन की अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी और समाज में आर्थिक संपन्नता आने लगी। लेकिन विकास की बढ़ती रफ्तार के साथ भ्रष्टाचार, महंगाई और रोजगार में कमी जैसी समस्याएं भी सामने आई। इसी दौरान चीन के लोग जब दूसरे लोकतांत्रिक देशों के संपर्क में आए तो उनमें भी लोकतंत्र के प्रति दिलचस्पी बढ़ने लगी। इन सब का नतीजा ये हुआ कि चीनी नागरिकों के बीच एक आंदोलन जन्म लेने लगा। चीनी नेता डेंग शियाओपिंग ने इस सब के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव हु याओबंग को जिम्मेदार माना। हु याओबंग चीन में सार्वजनिक सुधार, राजनीतिक सुधारों की पैरवी करते आए थे। अप्रैल में उनकी अचानक मौत हो गई, जिससे माहौल और गर्म हो गया। हजारों लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने बीजिंग के थियानमेन चौक पर इकट्ठा हुए। धीरे धीरे प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा बढ़ता गया और इसी चौक पर प्रजातंत्र की मूर्ति को स्थापित किया गया। हालात काबू से बाहर होते देख सरकार ने चीन में मार्शल लॉ लागू कर दिया। कई लोगों को जेलों में डाल दिया गया। 4 जून 1989 के दिन थियानमेन चौक पर हजारों छात्र और लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, तभी हथियारों से लदे चीनी सैनिक अपने साथ टैंक लेकर आने लगे। सेना ने पूरे चौक को घेर लिया और गोली बरसानी शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों को अनुमान नहीं था कि उनके ही देश की सेना उन पर इस तरह से गोलियां बरसाएंगी। सेना के इस नरसंहार में कितने लोग मारे गए, इसका सटीक आंकड़ा किसी के पास नहीं है। चीन सरकार ने 200 लोगों के मरने की पुष्टि की, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि कम से कम 10,000 लोग इस नरसंहार में मारे गए। 5 जून की सुबह तक थियानमेन चौक पर प्रदर्शनकारियों की जगह सेना के टैंकों ने कब्जा कर लिया। चीन सरकार ने क्रूरता से इस नागरिक आंदोलन को दबा दिया था। आज इस घटना की याद में कोई कार्यक्रम नहीं होता और हर साल 4 जून की तारीख नजदीक आती ही है तो इसे भुलाने की पूरी कोशिश की जाती है और दुनिया की सबसे बड़ी सेंसरशिप मशीनरी शुरू हो जाती है, जिनका काम इंटरनेट से इस घटना में से जुड़ी सामग्री को हटाना होता है। चलिए दोस्तों, क्वाराफ्लिक्स पर आज के इस वीडियो में इतना ही। जानकारी आप तक पहुंचती रहे उसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और Facebook पेज को लाइक कर लें। साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच इस वीडियो के लिंक को शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन एंड प्लीज वियर द मास्क एंड फॉलो द कोविड-19 गाइडलाइंस।